अपनी शानदार गाड़ियां एंड लग्जरी सेगमेंट में एक प्रोमिनेंट नाम बन चुकी जैगुआर वो ब्रांड है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान में जरा सा भी फर्क नहीं आया है। जैसी पावरफुल लग्जरी कार्स जैगुआर बनाती आई है पिछले 100 सालों से, आज भी जैगुआर उन्हीं मापदंडों पर टिकी है और आगे बढ़ रही है। जैगुआर के कई मालिक रह चुके हैं, लेकिन आज जैगुआर हिस्सा है टाटा मोटर्स की। जैगुआर की कहानी अपने आप में ही बहुत रोमांचित है। जैगुआर की शुरुआत आज से 100 साल पहले हुई थी 1922 में, जिसे शुरू करा था मोटरसाइकिल से प्यार करने वाले दो दोस्तों ने, जो थे विलियम लायंस एंड विलियम वाम्सली। कंपनी का नाम शुरू में रखा गया था स्वेलो साइड कार्स, जो कि शुरू में मोटरसाइकिल्स के लिए साइड कार्स बनाने का काम करती थी। कंपनी का काम अच्छे से आगे बढ़ ही रहा था कि कंपनी के फाउंडर विलियम वाम्सली ने कंपनी से अलग होने का फैसला कर अपने शेयर्स पब्लिक को सेल कर दिए और अलग हो गए, जिसके बाद कंपनी का नाम बदल कर रख दिया गया SS कार्स। कंपनी ने स्टैंडर्ड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर फिर शुरुआत करी कार्स मैन्युफैक्चर करने की, जिसमें कई ऐसे कार मॉडल्स रहे जिनके नाम में जैगुआर का इस्तेमाल कर कारों के मॉडल्स के नाम रखे गए थे। जैगुआर ने अपनी पहली कार साल 1935 में लॉन्च करी, जो की थी 2.5 लीटर इंजन के साथ रिलीज करा गया मॉडल SS90 स्पोर्ट सैलून, एंड एक ओपन जी मॉडल 3.5 लीटर इंजन के साथ मॉडल SS100। जैगुआर ड्रॉप हेड कूप, जैगुआर मार्क 5, जैगुआर XK120, जैगुआर XK150, ऐसे कई कार मॉडल्स रहे जैगुआर की तरफ से हमें देखने को मिलते रहे हैं, जो सब अपनी क्लास एंड पावर से अपनी एक अलग पहचाने के साथ हमेशा अलग खड़े नजर आए हैं। अब तक कार्स के मॉडल के साथ ही जैगुआर का नाम इस्तेमाल होता आया था, लेकिन अब समय आ चुका था उन्हें नाम बदलने की जरूरत थी। इसके दो मेन कारण थे। पहला रहा कंपनी का नाम SS कार्स, उसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स SS, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर को फेस कर रही थी, एंड दूसरा SS कार्स नेम इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आता जो किसी लग्जरी सेगमेंट को दर्शाता हो। इसलिए 23 मार्च 1945 को हुई एक बोर्ड मीटिंग के दौरान ये डिसाइड करा गया कि कंपनी का नाम बदलकर जैगुआर कार्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। जैगुआर ने 1950 में बहुत सी शानदार लग्जरी एंड पावरफुल कार्स बनाई काफी सालों तक। जैगुआर का स्लोगन रहा था ग्रेस स्पेस एंड पेस, जो जैगुआर ने अचीव तब करा जब वह रिकॉर्ड सेल्स अचीव कर सकी जैगुआर MK7, जैगुआर 9, जैगुआर MKS2 सैलून एंड जैगुआर XJ6 की रिकॉर्ड सेल से। साल 1965 में जो कंपनी जैगुआर्स के लिए स्टील मैन्युफैक्चर करती थी उसे ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन एक्वायर कर लिया दो और कंपनीज के साथ मिलकर, जो थी ऑस्टिन मोटर कंपनी एंड मॉरिस मोटर, जिसके कारण कंपनी के फाउंडर विलियम लायंस कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहने लगे थे, जिसका ये भी कारण कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण विलियम्स ने जैगुआर ब्रिटिश मोटर को ही सेल कर दी। जैगुआर 1984 में लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हुई थी, लेकिन फरवरी 1990 आते आते वह स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट भी हो गई। इसी दौरान फोर्ड ने साल 1989 में जैगुआर के US एंड UK शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बाय करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन तब भी ये डील पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद फोर्ड ने जैगुआर को फिर से अपनी कंपनी का हिस्सा बनाने के लिए दोबारा से इंटरेस्ट दिखाया साल 1999 में, जब फोर्ड ने अपनी इंटरी डिवीजन प्रीमियर ऑटोमोटिव ग्रुप का एस्टन मार्टिन वोल्वो कार्स के बाद जैगुआर को उसका हिस्सा बनाया। लेकिन फोर्ड की ओनरशिप में जैगुआर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रही। फोर्ड ने साल 2000 में लैंड रोवर को भी एक्वायर करा था, तब से ही लैंड रोवर जैगुआर के साथ ही नजर आता रहा है। इवन दोनों के कार ब्रांड्स में कई ऐसे कार मॉडल्स हैं जो कॉमन कंपोनेंट शेयर करते हैं, जिसके बाद 2007 में फोर्ड ने अनाउंसमेंट करी कि वह जैगुआर को लैंड रोवर के साथ मिलकर सेल करना चाहते हैं, जिसके बाद ऑफिशियली टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर के मालिक बने 2008 में। तब से ही जैगुआर टाटा मोटर्स का हिस्सा है और अपनी शान बरकरार रखने के साथ आज एक क्लास ऑफ व्हीकल्स के सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर में आते हैं, जिसके मालिक एक इंडियन ग्रुप है। जैगुआर का हर एक कार मॉडल अपने आप में एक क्लास है, जिसे हर तरह के मौसम को झेलने के साथ साथ हर तरह के मापदंडों से पास होने के बाद ही मार्केट में उतारा जाता है, जिसमें शामिल है ऐसे कोल्ड चैम्बर्स जिसमें जैगुआर कार्स को -40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक जमाया जाता है, साथ ही कार्स को इतने हीटेड टेम्परेचर तक ले जाया जाता है जो एक डेजर्ट के मुकाबले होता है, साथ ही
गाड़ियों पर लगातार 16 घंटों तक बारिश करवाई जाती है जिनसे गाड़ियों की वाटर टाइटनेस को परखा जा सके। जैगवार का सफर कई दशक पुराना है। कई मालिकों का हिस्सा बनने के बाद आज जैगवार एक इंडियन ब्रांड है। इतने सालों तक ना तो जैगवार की क्लास में कोई फर्क पड़ा है ना ही उसकी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी में। जैगवार आज लग्जरी और पावर का दूसरा नाम है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा एंड साथ ही हमें सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।